सुधा का नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो मैंने खुद बहुत सालों के बाद बनाई है। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ी फूल गोभी। गोभी को खरीदते समय चेक करना है कि गोभी फ्रेश हो और इसमें कीड़े ना हो। वैसे भी अभी बहुत अच्छी गोभी आ रही है। गोभी के नीचे के डंठल को काट लेना है। एक बड़े बर्तन में गर्म पानी में 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी डालकर गोभी को इसमें डालना है और उसे इस प्रकार से 50% तक उबाल लेना है। पूरा नहीं पकाना है, थोड़ा कच्चा रखना है। इधर एक पैन में 2 टेबलस्पून बेसन लेकर मंदी आंच में भून लेना है। गोभी के मैरिनेशन के लिए एक बाउल में 3 से 4 टेबलस्पून हंग कर लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 बारीक कटा हरा धनिया और 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालना है। इसमें सरसों का तेल का फ्लेवर अच्छा आता है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कोई और तेल भी डाल सकते हैं। अब हमें इन सबको अच्छे से मिला लेना है जब तक कि इसका एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। गोभी को पानी से निकालकर छालनी में रख देना है ताकि इसका पानी निकल जाए। अब गोभी को उल्टी तरफ से तैयार किए हुए मसाले को अंदर तक अच्छे से लगा लेना है और फिर सीधा करके उसी मसाले को पूरी गोभी पर अच्छे से लगा लेना है, कुछ इस तरह से। अब 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन में रोस्ट करने के लिए रखना है। इसको रोस्ट होने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तब तक इधर हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 प्याज को बारीक काट लिया है। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी लेकर गरम करना है और इसमें 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटी इलायची को डालना है और फिर कटे हुए प्याज को डालकर इन्हें अच्छे से भून लेना है। 300 ग्राम टमाटर, 1 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक, 4-5 कली लहसुन, इन सबको मिक्सी में पीस लेना है। जब प्याज भुन जाए तब इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला डालकर इन्हें भी भून लेना है। मसाला भुनने के बाद इसमें तैयार पीसे हुए टमाटर को डालकर इन्हें भी अच्छे से भून लेना है। इसको भूनने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। जब मसाला खूब अच्छे से भून जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून मलाई या क्रीम डालकर उसको भी खूब अच्छे से भून लेना है। और फिर इसमें 2 टेबलस्पून हॉट एंड स्वीट टमाटो सॉस डालना है और फिर ग्रेवी के हिसाब से नमक डालना है। ज्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि गोभी के मैरिनेशन में ऑलरेडी नमक डला हुआ है। ये सब भुनने के बाद इसमें 1 कप पानी डालकर इसे अच्छे से पका लेना है और अब ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। इधर हमारी गोभी भी एकदम तैयार हो गई है। इसे अब हम सावधानी से ओवन से बाहर निकालेंगे और हमारी तैयार की हुई ग्रेवी को इस तरह से पूरी गोभी के ऊपर लगाएंगे और बची हुई ग्रेवी को पूरी सर्विंग डिश में डाल देंगे। तो तैयार है हमारी बेक्ड गोभी एक चटपटी ग्रेवी के साथ, जो कि देखने में जितनी सुंदर लग रही है खाने में उतनी ही स्वादिष्ट बनी है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।